पलट गया सुल्तानपुर में सियासत का पासा। हाईकोर्ट ने बहाल किया पालिका चेयरमैन का पावर। मेनका गांधी और विनोद सिंह की साजिश हुई नाकाम। चेयरमैन के पति को फिर मिल गया काम। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में भाजपा सांसद मेनका गांधी और विधायक विनोद सिंह की सियासत का पासा हाईकोर्ट ने पलट दिया। बड़ी मेहनत और पैरवी पर भाजपा की नगर पालिका चेयरमैन बबीता जायसवाल का पावर सीज हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट ने पूरी कहानी ही बदल डाली। जी हाँ, कोर्ट ने सुल्तानपुर नगर पालिका की चेयरमैन बबीता जायसवाल का पावर बहाल कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले से मिली राहत के बाद चेयरमैन के पति अजय जायसवाल अब फिर से फुल फॉर्म में है। वो सबकी पोल पट्टी खोल रहे हैं। सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी और विधायक विनोद सिंह उनके निशाने पर है। केवल पावर सीज करना था और पावर इस नाते सीज करना था। आप सोचिए, जैसे उनको पता लगा कि 17 तारीख को केस लगा, 16 तारीख को आनंद फानंद बैठक बुला लिया और हमने और बैक डेट में एजेंडा जारी किया गया। दस्तखत हुए 11 तारीख को और डेट उस पर डाली गई 8 तारीख को। और प्रशासनिक अधिकारी को बैठक बुलाने का अधिकार ही नहीं है, ये विषय अलग है। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री से, प्रमुख सचिव नगर विकास से, नगर विकास मंत्री से, जिलाधिकारी से शिकायत की कि एडीएम एफआर को बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि बैठक वही बुला सकता है जो अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष नहीं है और अध्यक्ष पदेन सदस्य होता है नगर पालिका का। प्रशासनिक अधिकारी ना तो वह बोर्ड का सदस्य होता, जो व्यक्ति नगर पालिका का सदस्य नहीं है वह बैठक कैसे बुला सकता है। केवल मनमाना एजेंडा पारित कराने के लिए कल यह बैठक आनंद फानंद में बुलाई गई। अरे भाई, मेनका गांधी 19 सांसद हैं, उनके समय से लेकर न जाने कितनी बैठकें हो चुकी बोर्ड की, एक भी बैठक में वो नहीं आई। विधायक जी 3 बैठक इसके पूर्व हो चुकी है, नहीं आए। केवल वह बबीता जायसवाल का सामना करने का नैतिक साहस नहीं था इन लोगों के अंदर कि बबीता जायसवाल का सामना कर सकें, इस नाते इन्होंने बैक डोर चुना और पावर सीज कराकर कल आनंद फानंद में प्रस्ताव पारित किया। यह विषय अब इस पर विधिक परीक्षण हो रहा है और संवैधानिक संकट खड़ा होगा कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है वो बैठक कैसे बुला सकता है। इस पर भी जो भी उचित फोरम होगा उसका निर्णय लिया जाएगा। और आज न्यायालय ने भी इस बात की पुष्टि की कि ये जो आदेश हुआ है आनंद फानंद हुआ। अरे 3 घंटे तक बहस चली और उसके बाद न्यायालय ने निर्णय दिया और सोमवार उन्होंने कहा कि मैं ये आदेश क्वेश्चन करूंगा। सुना आपने, सुल्तानपुर में भाजपाई किस तरह एक दूसरे का कुर्ता फाड़ रहे हैं। भाजपा चेयरमैन के पति अजय जायसवाल का साफ कहना है कि उनके खिलाफ उनकी पार्टी की सांसद और विधायक की साजिश थी, जिसे हाईकोर्ट ने कामयाब नहीं होने दिया। बहरहाल, सुल्तानपुर में नगर पालिका चेयरमैन की कुर्सी पर संकट के बादल अभी छटे नहीं हैं। पावर भले ही बहाल हो गई हो, लेकिन जांच अभी चल रही है। इनके अलावा तमाम सभासद चेयरमैन के खिलाफ। सांसद मेनका गांधी और विधायक विनोद सिंह का हाल जग जाहिर है। ऐसे हालात में चेयरमैन बबीता जायसवाल और उनके बड़बोले पति अजय जायसवाल का क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।